दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रजा वुडवर्क में। दोस्तों मैं आपको एक रेस्टिक पेंट की वॉल दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो रेस्टिक पेंट जहाँ पर सीलन आती है, ज़्यादातर हम वहाँ पे करते हैं, बाकी अपने बेडरूम में, हॉल में और आप कहीं पर भी इसका रेस्टिक का उपयोग करा सकते हो। ये पूरी वॉल हमने रेस्टिक की बनाई है और इसके अलग अलग डिज़ाइन बन जाते हैं। और जहाँ पर हमारी ये जो वॉल थी इसके अंदर बहुत ज़्यादा सीलन आ रही थी, तो सीलन की वजह से हमने इसके अंदर वाटरप्रूफिंग करके हमने रेस्टिक का इसके अंदर यूज किया है। और रेस्टिक के हमने पूरे ये ओरिएंटल पट्टे बनाए हैं और ओरिएंटल पट्टे में हमने पूरा डिज़ाइन भी कुछ इस तरह का दिया है। तो आप देख सकते हो कितने लाजवाब तरीके से ये पूरी रेस्टिक की वॉल बनी है। और इसके ऊपर हमने जो पेंट किया है, पेंट भी हमने इसके ऊपर अल्टीमा अपेक्स किया है, एशियन का अल्टीमा। और आप देख सकते हो कितनी लाजवाब और ताकत कितनी है इसकी। पूरा सीलन विलन में आपका पूरी दीवार जो खराब हो जाती है और बार बार सीलन आती रहती है, उसकी वजह से हमने इस पर रेस्टिक कराया है। और रेस्टिक करने से इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरती भी बढ़ गई है और इसकी ताकत भी फुल हो गई है दीवार की। मैं आपको पूरी रेस्टिक की वॉल दिखा रहा हूँ, ये देखिए पूरा पैटर्न हमने पूरा रेस्टिक के साथ ही इसको किया है। और ये पूरा जितना भी है पेंट आप देख रहे हो, टोटल कलर हमारा लाइट ग्रे कलर है और ये हमने पूरा रेस्टिक में ही बनाया है। और हमने जो छत है, छत के ऊपर भी हमने कुछ इस तरह की ही इसी कलर पेंट की हमने टचअप दिया है। आप देख सकते हो हमारी माइनस प्लस सीलिंग हो रखी है। इस माइनस प्लस सीलिंग में भी हमने बहुत कम खर्चे में इसी पेंट को किया है। आप देख सकते हो इस पेंट की और आपकी सीलिंग तो इसको नहीं बोल सकते, हमने पीओपी के अंदर ये पूरी डिजाइनिंग की है और पीओपी के अंदर ही हमने सीलिंग वाला पैटर्न इसके अंदर बनाया है। और इसके अंदर भी हमने साइड में जो आप देख रहे हो इसके अंदर भी हमने इसी कलर का यूज किया है। रेस्टिक तो नहीं है पर हमने रूलर की मदद से इसके ऊपर अलग से डिजाइनिंग बनाई है। आप देख सकते हो पूरी वॉल कितनी खूबसूरत लग रही है। और दूसरी तरफ जो हमारी राउंड वाली सीलिंग है उसके ऊपर भी हमने इसी पेंट का यूज किया है। पूरी वॉल जितनी भी हमारी बनी है, फ्रंट वॉल, ये पार्किंग एरिया है, इस पार्किंग एरिया में टोटल हमने रेस्टिक का यूज किया है। और अब हमारी वॉल बिल्कुल बहुत अच्छी हो गई है। जितनी भी वॉल में हमारी सीलन थी, सीलन तक गैप हो गई है और ये पूरी वॉल बनकर इस तरह से तैयार हो गई है। तो दोस्तों अगर आपके घर में भी कहीं पर सीलन आती है और आप भी बार बार पेंट कराकर परेशान हो गए हैं, तो आप भी अपना रेस्टिक वॉल बनवा सकते हैं। रेस्टिक वॉल में बहुत ही अलग अलग तरीके से डिज़ाइन बन जाते हैं। हमने जो डिज़ाइन पसंद किया था ये हमारा इस तरह का डिज़ाइन हमने बनवाया है, पर आप अपने तरीके से इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन जो आपका पेंटर होता है वो इसमें बना देता है। और इसकी ताकत बहुत लाजवाब होती है और ज़बरदस्त ताकत होती है। तो दोस्तों अगर हम